हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम फिर से आ गए भाई एक और पाल वर्ल्ड की वीडियो के साथ। और भाई आज हमारा डे 18 होने वाला है भाई पाल वर्ल्ड की जर्नी के अंदर। तो गाइस, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना, क्योंकि भाई आज की वीडियो ना पिछली वीडियो से भाई कंटिन्यू है। क्योंकि भाई हमने पिछली वीडियो में ना एक पैंकिंग पोकेमोन और बूशी की जो है ना ब्रीडिंग कराई थी, जिससे हमें भाई एक एग मिला था। और भाई उस एग को ना हमने हैच होने के लिए छोड़ दिया था, बट गाइस वो पिछली वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज हम देखेंगे कि भाई उसमें से कौन सा पोकेमोन निकलता है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए गाइस, यहाँ पर आई थिंक जो है ना हमारा एग हैच हो गया है। तो इसे देखते हैं भाई कौन सा इसमें से भाई पोकेमोन निकलता है। ठीक है, तो भाई एनुबिस वाज बोर्न। तो भाई ये कोई एनुबिस नाम का भाई पोकेमोन इसमें से निकला है भाई, ये मुझे बहुत ज्यादा तगड़ा लगा है। तो भाई वो पोकेमोन ना कुछ कुछ मुझे भाई स्टैचू पावर की तरह लग रहा है शायद। हाँ भाई, बिल्कुल इसी की तरह वो पोकेमोन मुझे लग रहा है। तो जाकर देखते हैं उस वाले पोकेमोन को हम भाई, जरा चेक करते हैं उसको। तो गाइस ये रहा वो पोकेमोन, और भाई अभी ना सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 का है, क्योंकि भाई ये अभी जो है ना हैच हुआ है। बट भाई तुम इसके काम देख सकते हो भाई, वर्क देख सकते हो, हैंड वर्क भी भाई इसके 4 है। और भाई जो मतलब स्टोन वगैरह तोड़ने की चीज है भाई, सब चीजें आप देख सकते हो इसके भाई, बहुत ही ज्यादा काम करता है। यानी कि तो इसे भाई हमें अपने बेस पर छोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, मैंने इसे बेस पर छोड़ दिया। आप देख सकते हो भाई कहाँ गया है पोकेमोन। तो गाइस आप देख सकते हो भाई इसको, भाई क्या तगड़ा पोकेमोन भाई सच में ब्रीड हुआ है यार। मुझे सच में लगा नहीं था कि इतना अच्छा पोकेमोन जो है ना ब्रीड हो जाएगा उन दोनों से। तो गाइस मुझे कमेंट करके फिर से बताना भाई अगली बार किन दो पोकेमोन की जो है ना ब्रीडिंग कराई जाए, जिससे बहुत ही ज्यादा तगड़ा पोकेमोन निकल जाए। तो गाइस मैं ना इसको ना अपने लिस्ट में रखूंगा एनुबिस को, बट अभी नहीं, जब इसकी लेवल अच्छी खासी मतलब ज्यादा हो जाएगी, 15-16 लेवल का भी हो जाएगा ना जब भी रख लेंगे इसको, कि उसी हिसाब से इसका जो है ना अटैक बढ़ेगा। तो गाइस ये सब चीजें तो हमारी हो गई। अब हमें भाई एक चीज करनी है, मैं आपको टेक्नोलॉजी के अंदर लेकर चलता हूँ। हमें भाई जो है ना अपना एक आर्मर को बिल्ड करना है। और भाई वो आर्मर कहाँ पर है, वो आर्मर भाई ये रहा मेटल आर्मर। और इसका डिफेंस आप देख सकते हो 70 अभी तक का सबसे ज्यादा डिफेंस इसका है। तो इसको जो है ना हम अनलॉक कर लेते हैं और इसको भाई बिल्ड करेंगे अभी हम। तो ये जो है ना हाई टेक्नोलॉजी वर्क बेंच बनेगा, तो इसे जाकर भाई बनाकर देखते हैं भाई। हाई टेक्नोलॉजी वर्क बेंच आई थिंक हमारी उस साइड में है। तो ठीक है गाइज, यहाँ पर हम आ गए। और भाई मुझे, हाँ एक सेकेंड, और भाई मुझे ये हीट वाला भी बनाना है आर्मर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पोकेमोन ना ऐसा हो जाता है जिससे जिसके पास ना भाई हीट की पावर होती है, तो हम ना भाई जलकर मर जाते हैं। डबल बिल्कुल भाई इसका जो है ना डिफेंस है। तो इसके लिए हमें कुछ इंगट चाहिए होंगे, तो हमारे इंगट आई थिंक बनने लग रहे हैं, और 58 तो बन गए हैं। तो इन्हें जो है ना उठा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इसको भाई बनने के लिए छोड़ देते हैं, और इसे बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइस तुम इसकी वर्क स्पीड देख सकते हो भाई, इसने बनाकर फेंक भी दिया भाई ये कसम से भाई। इसका देख रहे हो तुम, मुझे लग ही रहा था इसका जो हैंड वर्क है ना बहुत ही ज्यादा है। तो इसी वजह से इसने भाई ये आर्मर जल्दी से बनाकर भाई एकदम साइड में रख दिया यार, देख रहे हो तुम। तो इस आर्मर को जो है ना हम पहन लेते हैं, और इस वाले आर्मर को जो है ना किसी उसके अंदर रख देते हैं चेस्ट के अंदर। बाद में कभी हम भाई फ्रीज वाली जगह पे जाएंगे तो वहां पर इसे पहन लेंगे। तो हीट वाले को बनाने के लिए ना हमें जो है ना फ्लेम ऑर्गन चाहिए, तो वो भी हम ले लेंगे, और इसको भी बनाने के लिए छोड़ देंगे यहाँ पर। तो गाइज आप आर्मर देख सकते हो भाई, बीच में ना इसकी लाइट जल रही है यार। मुझे ना एक चीज और करनी है, हमें ना मतलब भाई एग इक्यूबेटर की और भी ज्यादा जरूरत है। आई थिंक कम से कम यार 3 या 4 एग इक्यूबेटर तो होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज्यादा एग है, तो हमारे लिए ना एग इक्यूबेटर कम पड़ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 या फिर 3 जो है ना और एग इक्यूबेटर यहाँ पे बना दिया जाए। तो एक बार चलते हैं भाई। तो ये रहा, तो एग इक्यूबेटर के लिए हमें भाई क्लोज चाहिए होंगे, तो क्लोज देख लेते हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो हम दूसरे वाले अपने घर से ला सकते हैं, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है ना क्लोज होंगे हमारे। तो ठीक है, यहाँ पर आ गए हम और एक बार देख लेते हैं। नहीं भाई यहाँ पर भी क्लोथ्स नहीं है हमारे। तो यहाँ पर ना क्या करेंगे, सारे के सारे जितने भी लैम्बल्स है ना सबको मार लेंगे, और लेदर कलेक्ट कर लेंगे, और लेदर कलेक्ट करने के बाद भाई क्लोथ्स बना लेंगे। तो ठीक है गाइस, हम वापस भाई आ गए, और भाई हमने जो है ना सारे के सारे क्लोथ्स जो है ना बिल्ड कर लिए। तो यहाँ पर हम जो है ना बिल्ड कर सकते हैं भाई अपना दूसरा एग इक्यूबेटर। ठीक है, एक हमने यहाँ पर बिल्ड कर दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ 2 या फिर जितने भी यहाँ पर आ पाएंगे ना, तो उन्हें यहाँ पर बिल्ड कर देंगे, और आई थिंक एक यहाँ पर भी आ जाएगा इजीली। तो इसे भी यहाँ पर बिल्ड कर दिया हमने। तो भाई आप देख सकते हो भाई एनुबिस की भाई कितनी ज्यादा भाई वर्क स्पीड है, ये कुछ ही सेकंड के अंदर भाई सारा काम जो है ना कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 4 जो है ना एग इक्यूबेटर यहाँ पे लगा दिए, तो एक ही साथ भाई 4 एग जो है ना हैच हो जाएंगे। तो अब चलते हैं और अपना जो है ना हीट वाला जो है ना आर्मर बना लेते हैं, तो ये भी भाई पोकेमोन बना लेगा। तो अब हमें क्या करना है भाई, अब जो है ना हमारा सारा का सारा काम हो गया है, तो अब हम एक काम करेंगे भाई, हमें ना भाई इस साइड में जाकर ना कुछ पोकेमोन्स को पकड़ के लाने हैं भाई, नए नए को, जिनसे हमारी भाई 24 लेवल हो जाएगी, और भाई हमें पाल बॉक्स की लेवल को भी इंक्रीज करनी है। तो यहाँ पर चलते हैं और कुछ पोकेमोन्स को पकड़ के लाते हैं। जैसे हमारी 24 लेवल होगी ना, तो या तो हम इस वाले बॉस पोकेमोन के पास चलेंगे, और या फिर इस वाले के पास। ठीक है, तो गाइस मैंने अपने पास ना भाई हीट वाला जो है ना आर्मर भी रख लिया, कि भाई बाय चांस कुछ जरूरत पड़ जाए
तो वो हम एकदम डायरेक्टली पहन लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो देख सकते हो कितना सारा सामान मैं कलेक्ट करके लाया था। तो इन्हें सबको रखते हैं अपनी अपनी जगह, और भाई एग इक्यूबेटर के अंदर जितने भी एग्स हैं ना उन्हें भी रखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो भाई मैंने चारों के अंदर जो है ना एग्स रख दिए। तो ठीक है गाइस, मैंने जो है ना सारा का सारा भाई फालतू का सामान रख दिया है चेस्ट के अंदर। तो अब चलते हैं भाई जो है ना थोड़ा सा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की तरफ। यार हमें ना कोई ऐसे पोकेमोन ढूंढने पड़ेंगे जिसके ऊपर हम ट्रैवल तो कर सके बट उसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा हो भाई, मतलब ट्रैवल करने की। तो ठीक है एक सेकेंड, यहाँ पर भाई कुछ चीज है तो इसे भी उठा लेते हैं। तो यहाँ पर ना भाई कुछ चीज है, मुझे नहीं पता है क्या चीज है। अच्छा ठीक है, तो हम अंदर जा सकते हैं। तो एक काम करेंगे ना, पहले ऊपर से भाई लिपमंग उठा लेंगे फिर इसके अंदर चलेंगे। तो गाइज ये आई थिंक कोई केव है अंदर की तरफ, मुझे नहीं पता मैं किस जगह पर जा रहा हूँ इस टाइम पर, और अंदर क्या पता क्या चीज़ हो सकती है, कुछ अंदाज़ा नहीं है मुझे इस टाइम पर। बस कुछ भी हो अंदर जो है ना तगड़ा कोई पोकेमोन ना हो जिससे मतलब हम नहीं लड़ सकते, और जिससे लड़ सकते हैं वो तो होना चाहिए, उसे हम कैप्चर करके चलेंगे यहाँ से। देख सकते हो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबी जो है ना केव है। जैसा मैंने सोचा था यहाँ पर एक भाई पोकेमोन है, यहाँ से हमें भागना भी पड़ सकता है और इससे फाइट तो लेनी पड़ेगी। देखो हमें, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम भाई यहाँ पर जो है ना जहाँ से हम आए थे वहीं पर जाके खड़े हो जाएं, बाकी जो है ना पोकेमोन इससे लड़ता रहेगा हमारा। ठीक है, तो हम यहीं से उसके ऊपर जो है ना अटैक कर सकते हैं यार। तो गाइज हमारा बूशी मर गया है इस टाइम पर, उसने भाई पूरा का पूरा बूशी को जो है ना एलिमिनेट कर दिया है। तो ये मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है आई थिंक पोकेमोन। अगर आजू रोब इससे मर गया ना तो समझना हम इसे हरा नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि अभी तक इसकी हाफ भी पावर नहीं गई है और इसने पूरा का पूरा बूशी को यार मार दिया। मुझसे गलती हो गई, मैंने उसे सही टाइम पर बूशी को उठा नहीं पाया मैं। एक सेकेंड, वो गायब हो गया किस कहीं पर और मुझे नहीं पता वो गया कहाँ पर है। तो गाइज कुछ ग्लिच हो गया आई थिंक, जिसकी वजह से जो है ना वो हमें दिख नहीं रहा है। काम करेंगे यहाँ से जितना भी सामान है ना ये उठा के यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि कुछ ग्लिच हो गया आई थिंक यहाँ पर। देख सकते हो वो हमें दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो ठीक है यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि वो तो पता नहीं कहाँ चला गया है। तो हमें घर जाना पड़ेगा भाई, बूशी को जो है ना रिकवर करने के लिए छोड़ना पड़ेगा हमें घर पर। तो ठीक है गाइस हम घर पर आ गए हैं भाई, मैंने जो है ना अपने बूशी को भाई रख दिया है भाई यहाँ पर रिपेयर होने के लिए, मतलब दोबारा से ठीक होने के लिए। ठीक है, और मैंने उसके बदले ना भाई ये कैटरेस जो है ना पोकेमोन अपनी लिस्ट में रख लिया, इसका भी अच्छा खासा डैमेज है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें भाई दोबारा ना उसी तरफ जाना है, बट अब की बार जो है ना हम उसके केव के अंदर नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ यहाँ पर जो है ना इसे ऊपर ऊपर से भाई एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर जो है ना एक 17 लेवल का नया पोकेमोन है भाई, अच्छा खासा बड़ा है, तो इसे भाई कैप्चर करते हैं। भाई ये मर गया आई थिंक, भाई इसे रोबिन ने मार दिया यार फिर से। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है बार बार कि मैं जो है ना पोकेमोन को मार देता हूँ, और मैंने यार सही टाइम पर जो है ना रोबिन को बुला लिया था, पर फिर भी पता नहीं भाई क्या हुआ मेरे साथ सीन। तो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं फिर से आगे और दूसरे पोकेमोन को जो है ना पकड़ते हैं यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर एक और भाई ईगल स्टैचू है, तो ये सही हो गया है हमारे साथ भाई, तो इसे जो है ना अनलॉक कर लेते हैं। और सामने की तरफ एक सेकेंड आई थिंक एक डंजन है, और भाई ये वाली डंजन मुझे लग रही है भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होने वाली है, या फिर इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा भाई पोकेमोन हो सकता है, क्योंकि इसके आप एंट्रेंस ही देख सकते हो कितना ख़तरनाक इसका एंट्रेंस दे रखा है इन लोगों ने। तो देख लेते किस जगह ये है। तो यहाँ पर ना हम बाद में आएंगे जब हमारी जो है ना अच्छी खासी लेवल होगी, या फिर अटैक जो है ना हमारा अच्छा खासा होगा। ठीक है गाइज़ यहाँ पर फिर से वो वाला पोकेमोन मुझे दिख गया है जो कि रोबिन ने मार दिया था भाई। तो ठीक है रोबिन को बुला लेते हैं, आई थिंक ये फिर से मार देगा इसको भाई। तो ठीक है गाइज़ यहाँ पर हमने एक ये नया पोकेमोन को जो है ना कैप्चर कर लिया है, और इसे जो है ना घर जाकर देखेंगे कि कैसा पोकेमोन ये है। जितने भी अभी हम पोकेमोन पकड़ेंगे ना सबको भाई घर जाकर देखेंगे। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर भी एक नया बॉस पोकेमोन है आई थिंक, तो इसकी जो है ना लेवल देख लेते हैं। ये भाई 31 लेवल का है, ठीक है ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा हमारे लिए। तो अभी जो है ना सिर्फ और सिर्फ हमें भाई लोकल जो पोकेमोन्स होते हैं ना उन्हें कैप्चर करना है। तो आई थिंक ये वाला नहीं है, तो भाई काओ है, तो मुझे लगा कि कोई नया पोकेमोन होगा। तो एक काम करते हैं एक को भाई इसे भी कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला भी आई थिंक हमारे लिए नया होगा। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ना अपना पोकेमोन भाई छोड़ दिया जाए, क्योंकि सामने की तरफ ना कोई एक नया पोकेमोन इन्होंने आई थिंक कैप्चर कर रखा है बेचारे को अंदर, तो उसे बचाते हैं। ठीक है गाइस हमने यहाँ पर जो है ना सभी को मार दिया है, तो इनका जो है ना सारा का सारा सामान उठा लेते हैं यहाँ से, और जो पोकेमोन बेचारा अंदर जो है ना कैप्चर हुआ हुआ है इसको भाई खोलते हैं। तो देख सकते हो यार अंदर आप एक नया पोकेमोन है। तो ठीक है इस पोकेमोन का नाम भाई नॉक्स था, और भाई 20 लेवल का भाई ये पोकेमोन था, तो अच्छा खासा पोकेमोन है ये। वाओ यार ये क्या पोकेमोन लग रहा है। ओके भाई ये हमारे ऊपर जो है ना अटैक कर रहा है, तो इस वाले को मैं सोच रहा हूँ ना भाई दो पकड़ के चलते हैं ये वाले भी पोकेमोन। तो इसका नाम भाई यूनिवोल्ट है, पूरा का पूरा आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी वाला भाई पोकेमोन है। तो ठीक है हमने दो पकड़ लिए यहाँ पर। तो गाइस सामने की तरफ भी एक लिपमंग है आप देख सकते हो, तो वहाँ पर भी चलते हैं उसे भी उठाते हैं, क्योंकि गाइस लिपमंग की भी हमें भाई बहुत ही ज्यादा जरूरत है इस टाइम पर। ओह शिट गाइस यहाँ पर एक और भाई उस पोकेमोन है भाई, ये अभी तक का
सबसे पावरफुल बॉस है, क्योंकि गाइस जो हाथी वाला पोकेमोन है भाई वो भी 38 लेवल का है ओनली, और ये देख सकते हो 45 लेवल का है। तो गाइस ये पोकेमोन तो इजीली नहीं मरने वाला है हमसे, हमें भाई बहुत ही ज्यादा आगे तक जाना पड़ेगा इसके लिए। तो ये अच्छा हुआ हमें एक ही जगह ना 2-3 लिफमंक मिल गए हैं। हाँ शायद से मैंने ये वाले पोकेमोन नहीं पकड़े हैं, बट यहाँ पर भाई पहले से फाइट हो रही है इनके बीच, तो यहाँ पर रोबिन को बुला लेते हैं। ठीक है, सब कैप्चर करते हैं। ओ भाई ये नहीं आ रहा है, इतना तो पावरफुल भी नहीं है। तो ये हम जो है ना नई जगह पर आ गए हैं इस टाइम पर। गेट भाई सामने नया पोकेमोन है, तो इसे पकड़ेंगे भाई। ये कैसा पोकेमोन है यार, बहुत ही ज्यादा पावर चली गई थी उसकी एकदम से। काम करते हैं, गीगा पालिस फेयर सेलेक्ट करते हैं, अगर आपकी बार भी ना आया ना तो गीगा पालिस फेयर में से जो है ना कैप्चर करेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैंने नया पोकेमोन को पकड़ा है आपकी बार, और ये कुछ अजीब ही गरीब भाई पोकेमोन था सच बता रहा हूँ मैं। तो ये जगह जो है ना बहुत ही ज़्यादा अलग है, मतलब अभी तक जितनी भी जगह मैंने देखी है। और यार एक बार ना ये वाला पोकेमोन ही पकड़ कर देख लेता हूँ मैं, मुझे ऐसा लग तो रहा है कि मैंने इसे पकड़ा था बट सही तरीके से मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है मैंने पकड़ रखा था, मुझे लग ही रहा था कि मैंने इसे पकड़ रखा है कहीं पर। हाँ गाइस, तो ये रहा सामने वाला पोकेमोन जिसे मैं पकड़ने की बात कर रहा था जब से, तो इस वाले को पकड़ना था मुझे, इसी को मैं ढूंढ रहा था उस टाइम पर, इसी के वजह से जो है ना मैं यहाँ तक आया हूँ, क्योंकि मुझे यही वाला पोकेमोन दिखा था वहाँ पर नीचे। तो एक काम करते हैं, गीगा पालिस फेयर फेंकते हैं, काम खत्म करते हैं इसका, एक ही बार में आ जाएगा ना तो ज्यादा अच्छा। भाई गीगा पालिस फेयर भी नहीं आ रहा है एक में, तो ठीक है आई थिंक अब की बार आ जाएगा ये। तो ठीक है गाइज, ये वाला नया पोकेमोन था तो हमने इसको भी कैप्चर कर लिया है, और ये सारे पोकेमोन तो आई थिंक हमने पकड़ ही रखे हैं ना। तो ये रे वाले पोकेमोन, तो मुझे यार ये वाला पोकेमोन ना एक और पकड़ना है। रोबिन को बुला लेते हैं, इसका हम अकेले ही देख लेंगे इसको। तो ये वाला पोकेमोन भी भाई एक और पकड़ के निकलते हैं यहाँ से। ओ शिट, हमारे ऊपर अटैक हो गया है तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, इसे जल्दी कैप्चर हो जाना है। तो यहाँ से जो है ना निकलते हैं जल्दी से, एक बार ना यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कहीं पर भाई ईगल स्टैचू है क्या? नहीं भाई यहाँ पर नहीं है कहीं पर भी, तो हमें बहुत ही ज्यादा दूर जाना पड़ेगा ईगल स्टैचू के लिए। तो ठीक है गाइस, हम घर पर आ गए और भाई एक बार जो है ना नए नए पोकेमोन्स को भाई चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो भाई, एक हमने ये वाला पकड़ा था और एक ये वाला पकड़ा था, ठीक है ना। तो हमने बहुत से पोकेमोन पकड़े हैं यहाँ पर, और सबके सब जो है ना बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और भाई अच्छे खासे पावरफुल है। तो गाइज आई होप आप सभी को इस वीडियो में मजा आया होगा, अगर मजा आया है तो इसे जाके भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।